हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और वो लोग तो भाई ज़रूर कनेक्ट करेंगे भाई जो लोग अपनी गाड़ी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। प्लस साथ में वो मतलब अगर कुछ भी दिक्कत होती है ना गाड़ी में तो एकदम पहचान जाते हैं क्विकली कि नहीं यहाँ कुछ गड़बड़ होने वाली है, क्योंकि आप अपनी गाड़ी के साथ इतने हैबिचुअल हो चुके होते हो ना। जब आप लॉन्ग टाइम स्पेंड करते हो तो अगर छोटा सा भी कुछ मतलब प्रॉब्लम सी अगर लगती है ना तो एकदम फील हो जाती है। तो आज का जो टॉपिक है ना वो ये है कि जैसे आपकी गाड़ी सर्विस के लिए ड्यू होती है, बराबर। अब सर्विस के लिए जैसे ड्यू होती है, मान लो अगर आपकी जो सर्विस ड्यू है वो 10,000 किलोमीटर पे है, राइट। उसके बाद डिपेंड 20,000 पे है, 30,000 पे है, या कई बार जो दूसरी जो कंपनियां होती है, मैं तो मारुति की बात बता रहा हूँ, 10,000 पे ड्यू रहती है। कोई कोई कंपनी क्या होती है कि भाई 15,000 पे ड्यू कर देती है, राइट। तो मेन मुद्दे की बात यह है कि जैसे मान लो मेरी गाड़ी जो है ना 10,000 किलोमीटर चली, आपने उसको एक्सपीरियंस लिया, फिर 20,000 किलोमीटर फिर ली, तो जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा ना वैसे वैसे आप लोगों को अपनी गाड़ी से इतने छोटे छोटे माइन्यूट से जो प्रॉब्लम भी अगर होगी ना वो भी आप एकदम फील करने लगोगे। जैसे सपोज करो 20,000 आपने गाड़ी चला ली, उसके बाद 30,000 पे है ना आपकी जो सर्विस है वो ड्यू है, राइट। अब होगा क्या, जैसे आप जो है ना आपने 20,000 किलोमीटर वाली सर्विस कराई होगी अपनी गाड़ी की, तो होता क्या है कि जैसी सर्विस होती है ना, सर्विस कराने के बाद गाड़ी में इतना बढ़िया इंप्रूवमेंट आता है, ऐसा लगता है कि गाड़ी भाई जैसे बिल्कुल शोरूम कंडीशन में आई ना, बिल्कुल न्यू ब्रांडेड वैसी हो जाती है। मैं सिर्फ खाली लुक वाइज धोने के बाद, पॉलिशिंग करने के बाद उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो एक अलग चीज़ है, बट जो ओवरऑल जो इंजन की परफॉर्मेंस होती है, ठीक है, चलाने का जो एक परफॉर्मेंस होती है, चलाने का एक एक्सपीरियंस होता है, वो बिल्कुल निखर के आता है। अभी मैं ना अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोगों को चार ऐसी चीज़ बताऊंगा कि जो आप ना बिल्कुल फील 100% आप कनेक्ट भी करोगे मेरी बातों से। वो क्या है, देखो मेरी जो गाड़ी है ना अभी वो 36,816 किलोमीटर चल गई, तो मोटा मोटा आप मान लो 37,000 किलोमीटर मेरी गाड़ी चल चुकी है। और भाई जो लोग मेरी वीडियो देखते होंगे ना गाड़ी की, तो अभी आपने पता होगा कि मैंने ऑलरेडी जो है ना हर सर्विस की वीडियो बना के आपको डाली हुई है। तो अभी जो इसकी जो सर्विस ड्यू है ना वो ड्यू है 38,000 किलोमीटर पे, राइट। तो CNG गाड़ी का मैंने खास तौर से बताया कि अगर मान लो आपकी ड्यू है ना उससे अगर आप 2-3,000 किलोमीटर पहले भी करा लेते हैं तो भाई वो बहुत ज़्यादा आपकी गाड़ी के लिए फायदेमंद रहता है। ऐसा नहीं कि आप जो बिल्कुल ड्यू है उसी पर कराओ या उससे एक्सटेंड करोगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान, मैं खास तौर से बात कर रहा हूँ CNG गाड़ी के लिए, उसको आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है ना वो फेस करना पड़ेगा, राइट। तो भाई देखो सबसे पहले जो मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या कमी लगेगी, जैसे आपको लगता है कि आपकी जो गाड़ी की जो सर्विस है ना वो ड्यू है, तो सबसे पहला पॉइंट आपको क्या फील होगा कि जो आपकी गाड़ी का जो पिकअप होगा ना वो इतना शानदार नहीं हुआ होगा, खास तौर से अगर गाड़ी आपकी 30-40,000 किलोमीटर चल चुकी है, राइट। तो जैसी अभी देखो मैं जो है ना अभी करंटली एक लॉन्ग जर्नी करके आ रहा हूँ, अराउंड 700-800 किलोमीटर मैंने गाड़ी चला दिया और आपको बताया 37,000 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। और CNG की मैं बात कर रहा हूँ, अभी क्या है ना मैं पूरा पंजा रख के जब मैं इसको एकदम खींचता हूँ ना तो क्या होता है कि मेरे को तब पूरा जो है ना रेव करना पड़ता है, तब जाके जो इसका ना इंस्टेंट पिकअप तो नहीं मिल रहा है अभी। तो वो ना एक चीज़ क्या होता है, 19 और 21 का फर्क जो होता है ना अब वो महसूस होने लग गया है। तो अब मुझे को साफ पता लगने लग गया कि अब गाड़ी की जो है ना सर्विस ड्यू है भाई, क्योंकि इंजन ऑयल चेंज कराना पड़ेगा। अब जैसे ही इंजन ऑयल चेंज होगा ना खतरनाक वाली वो ही परफॉर्मेंस आ जाएगी, वो मैं 100% श्योर हूँ। तो एक तो सिम्टम ये हो गया जो मेरे को लगा नहीं भाई अब मज़ा नहीं आ रहा है, अब ये सर्विस जो है ना वैसे भी अगर आपको ध्यान भी नहीं रहना तो आप चलाने के बाद भी आपको पता लग जाएगा इतना एक्सपीरियंस है। दूसरा पॉइंट ये है कि भाई आप कभी फील करना कि जब आपकी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा चल चुकी होगी ना तो अगर कभी स्पीड ब्रेकर पर निकाल के ले जाओगे या गड्ढे वगैरह में आप अगर आप निकालोगे ना तो आपको क्या फील होगा कि गाड़ी जो है ना बॉडी जो है वो खड़कने की आपको लगेगी, मतलब कहीं ना कहीं से आपको आवाज़ आएगी। रैटलिंग साउंड की बात नहीं कर रहा हूँ, छोटी मोटी होती है वो नहीं, जो बड़ी मेजर जो आवाज़ होती है खड़खड़ बड़बड़ की। अब खासतौर से मारुति की गाड़ी तो आपको पता है भाई थोड़ी ज़्यादा खटकने लग जाती है। तो आपको पता है कि जब सर्विस होती है कि ऑल जो बॉडी जो होती है ना जितने भी इसके नट बोल्ट होते हैं वो अपने हिसाब से टॉर्क सेट होते हैं, उसके हिसाब से बॉडी पूरी टाइटनिंग होती है। तो दूसरा तो ये सिम्टम हो गया भाई, पता लग गया कि अब जो बॉडी है वो खड़कने लग गई है। तीसरा जो मेजर मैं आपको सिम्टम बताता हूँ, मेरे को क्या लगता है कि आपके इंजन की जो नॉइस होती है ना
वो थोड़ा सा ना आपको बदला सा लगेगा। बदला मतलब आपको ऐसा लगेगा थोड़ी सी ना नॉइसी इंजन जो है ना, नॉइस हल्की सी क्रिएट करने लग गया, क्योंकि वो स्मूथनेस आपकी तभी आती है जब आपका इंजन ऑयल स्टार्टिंग में बदला जाता है और वो बिल्कुल न्यू एकदम आपका कंडीशन में होता है, राइट। तो अभी ये मेरे को पता लग गया कि इंजन में हल्की सी आपको आवाज फील होगी, थोड़ा सा आरपीएम जब बढ़ाओगे रेव करोगे तो वो फील हो जाएगा, राइट। और चौथा मैं बताता हूँ भाई, खास तौर से मैं बता रहा हूँ आल्टो के लिए। ऑलरेडी भाई जिन्होंने वीडियो देखी है ना वो जानते हैं कि इसकी जो ब्रेकिंग है भाई, मतलब ठीक है, काम चला हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि अगर इंस्टेंट आप दौड़ाओगे या पैनिक ब्रेकिंग सिचुएशन में आप डालोगे ना, आपको पता होना चाहिए कि भाई थोड़ा सा डिले रहेगा, बहुत स्पॉन्जी और इलास्टिसिटी जो इफेक्ट आता है वो आता है, इंस्टेंट एकदम बाइट इसमें नहीं मिलेगी। तो अब जैसे ये 37,000 किलोमीटर चल चुकी है ना, तो अब आई डोंट नो इसके ब्रेक शू घिसे हैं या एक जो प्रोसेस होता है, मैंने आपको बता दूं ब्लीडिंग करके प्रोसेस होता है, उसके अंदर होता है क्या, कई बार क्या होता है जो पाइपलाइन होती है ना आपकी, जो ये ब्रेक लाइन होती है उसके अंदर क्या होता है कि बबल्स फॉर्म हो जाता है। अब बबल्स फॉर्म होने के कारण क्या होता है कि वो जो वैक्यूम है, जो प्रेशर होता है ना, वो ठीक से जनरेट नहीं हो पाता। जनरेट नहीं होने के कारण क्या होता है कि जो आपके जो ब्रेक पैड होते हैं वो सही से आपके जो रोटर पे होते हैं वो अटैच नहीं कर पाते, जिससे ब्रेकिंग जो कैपेबिलिटी होती है वो आपकी सफर करती है, राइट। या तो वो देखना पड़ेगा या फिर आपका इंजन कह रहा हूँ आपका जो ब्रेक है वो खोल के प्रॉपर जो क्लीनिंग वगैरह प्रोसेस होता है वो करना पड़ेगा, राइट, वो एक बार चेक करना पड़ेगा क्या। बट इसकी जो ब्रेकिंग है भाई, मतलब इस टाइम ना, मतलब मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है इसके ऊपर, इसलिए मैं 80 नब्बे से ऊपर तो मैं चलाता ही नहीं हूँ। और पहली भाप लेता हूँ कि कहाँ ब्रेक मारनी पड़ेगी, थोड़ा सा स्मार्टनेस आपको दिखाना पड़ेगा कि कैसे कैसे आपको गाड़ी निकालनी है। बट इंस्टेंट ब्रेकिंग के लिए अभी मैं बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ इस गाड़ी के लिए। तो ये जो 4 मैंने सिम्टम आप लोगों के साथ डिस्कस किए ना भाई, ये मेरे अकॉर्डिंग क्या है, मुझे लगता है कि ये पहले ही गाड़ी बता देती है कि भाई अब जो गाड़ी की जो डायरेक्शन है वो ले लो आप सर्विस स्टेशन की तरफ, राइट। अगर आपको भी लगता है इसके अलावा कुछ एड ऑन करना चाहते हैं तो मेरे को कमेंट सेक्शन में एक बार लिख के आप जरूर बताना कि आपको क्या फील होता है कि इसके अलावा और क्या सिम्टम हो सकते हैं, राइट। तो होप ये वीडियो आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।